बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज की बात कर ही रहे हैं और कल से शुरुआत हो रही है। सो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, वेरी ब्रिलियंट फास्ट बॉलर सोहेल खान। सोहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ सोहेल आप भी खैरियत से होंगे। और बिल्कुल, और जो है जिस तरह इस वक्त आप टीम मैनेजमेंट की कॉन्फिडेंस और रिलायबिलिटी देख रहे हैं हमारे फास्ट बोलर्स के ऊपर, हम चार फास्ट बोलर्स के साथ अपने मुल्क की कंडीशंस में उतर रहे हैं, सबसे पहले तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं सोहेल? हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस बार इन लोगों ने विकेट बड़ी अच्छी बनाई है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा रिपोर्ट आया था कि विकेट थोड़ी सी बाउंसी बना रहे और थोड़ी ग्रीन बना रहे, तो इसकी मतलब है कि इसलिए लोगों ने ना चार बॉलरों से चले गए। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो, ये अच्छी बात है, नई एक चीज हम ट्राई करते हैं। हम हमेशा स्पिनरों पे जाते हैं, जब श्रीलंका जाता है या इंडिया या बांग्लादेश या पाकिस्तान दुबई में हम खेले हैं, तो ज्यादातर हमने स्पिनरों पे, इसलिए हमारी फास्ट बॉलिंग टेस्ट क्रिकेट में इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो अब ये है कि जरा हम नया करके आए हुए, तो ये मुझे अच्छा लगा कि इन लोगों ने फास्ट बॉलरों पर ये डिसीजन ले ली। अच्छा सोहेल, हमारे पास जो ऑप्शन था फास्ट बॉलर्स का, शाहीन और नसीम तो एक डेफिनेट चॉइस लगते हैं, उसके बाद खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली एंड मीर हमजा थे। आपको लगता है कि मीर हमजा वाज अ बेटर चॉइस इन कंपैरिजन टू खुर्रम शहजाद एंड मोहम्मद अली, या फिर जो अभी चारों फास्ट बॉलर उतारे हैं, जो चारों फास्ट बॉलर उतारेंगे वो सही डिसीजन है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सारे एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक खेले हुए, तकरीबन अगर मोहम्मद अली के मैचेस देखे तो 80-90 मैचेस फर्स्ट क्लास के होंगे, ऐसे मीर हमजा के भी होंगे 80-90 मैचेस, खुर्रम शहजाद बड़े अरसे से मतलब डोमेस्टिक खेल रहा था, गुड परफॉर्मेंस थी उसको, शाहीन और नसीम तो कंटिन्यू खेल रहे, चार पाँच तीन साल हो गए तकरीबन, तो मतलब जो पीछे हमारा बैकअप है, मेरे ख्याल से जो मेरी एक सोच है, ठीक है अगर मैं मतलब गलत ना सोचूं, तो ये अच्छी कम्बिनेशन है इन लोगों की और एक्सपीरियंस है, ये जब खेलेंगे तो बेहतर होंगे, ऐसे नहीं कि आप एक सीरियस खिला के और इन लोगों को फिर ड्रॉप करो। ठीक है, तो इससे मतलब है कि आपके पास फिर बॉलर नहीं बनेंगे, जैसे शाहीन और नसीम को मौका मिला, ऐसे मीर हमजा को, मोहम्मद अली को और खुर्रम शहजाद को अगर थोड़ा सा दो तीन टूर कराए जाए, तो उम्मीद करता हूँ कि इनमें से आपको शाहीन और नसीम जैसे एक दो बॉलर और भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, बट सोहेल एक फास्ट बॉलर फास्ट बॉलर्स के लिए तो जरूर बात कर रहे हैं, मगर जब मैं स्पिनर्स की बात करती हूँ, आपने बात की कि हम जब तक यूएई में खेल रहे थे हमने स्पिनर्स को बड़ा गेम टाइम दिया, हमारे स्पिनर्स फ्लरिश कर रहे थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि हमने अपने स्पिनर्स को इतना गेम टाइम देना कम कर दिया है? और इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के लिए उंगलियों पे गिने तो आपके पास कोई लॉन्गर फॉर्मेट में स्पिनर प्रॉपरली अबरार ही हैं और वो भी अभी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि हम स्पिनर्स पे बिल्कुल ही हमारी नजर इधर से उधर हो गई है? हाँ जी बिल्कुल, बीच में जब हम खेल रहे थे तो सईद अजमल एक नाम था, यासिर शाह जो ये आए तब, अब दरअसल मैं ना उन लोगों के बैकअप में सिर्फ आपके पास एक लड़का है जो वो यंग है, बबरार और गुड स्पिनर है, मतलब ये कि उसका पता नहीं क्या इशू हुआ है, मुझे तो अभी पता नहीं है, मगर बॉलर ऐसा बॉलर है कि अगर उस पर काम किया जाए तो वो इन दोनों से भी अच्छा हो सकता है, यासिर से भी अच्छा हो सकता है, सईद भाई से भी अच्छे हो सकते हैं। असल वजह ये है कि इस पे काम किया जाए, वो थे चालाक थे, वो होशियार थे, बड़े बॉलर थे, तो वो, मगर इसके साथ अगर कोई अच्छा सा स्पिनर कोच इस पे काम करे ना, तो ये लड़का बुरा नहीं है, ये आपको अकेले में मैचेस जिताए भी हैं और जिताएंगे भी है। हाँ, मगर सोहेल बात वही है कि आप गेम टाइम दे ही नहीं रहे, पहले तो पिछले साल तक बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगता था कि वो अबरार को जो है वो अपने मिक्स में नहीं रखते या वो 11 में नहीं रखते, वो 2023 का वर्ल्ड कप भी सिर्फ घूम कर आ गया, मगर अब तो सेटअप चेंज हो गया है, इवन देन अबरार जो हैं वो 11 में जगह नहीं बना पा रहे। ये इसका तो मुझे पता नहीं है कि बाबर इसको लाइक करते या नहीं, मगर मैंने जब भी हमेशा देखा है तो बाबर आजम ही अबरार के कमरे में बैठे होते थे और चाय पीते थे। ठीक है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता, बाबर आजम ऐसा लड़का नहीं है, वो बड़ा समझदार और अपनी टीम को वो जहाँ उसको मतलब है कि अबरार की अगर जरूरत होगी ना तो उसने जरूर खिलाना। बाबर आजम अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ कह रहा हूँ, काफी कह रहा हूँ, मेरे सामने बड़ा हो चुका है, ये नहीं कि मैं कोई सियासी बयान दे रहा हूँ, मगर वो मुल्क की खातिर ऐसा नहीं कर सकता कि वो एक प्लेयर को बिठा दे और दूसरे या कोई ऐसे प्लेयर को खिलाए जो उसके दोस्त हो, मगर मैं तो ये समझ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा दोस्त तो अबरार ही है उसी का, बिल्कुल, क्योंकि अबरार के साथ ही बैठा हुआ होता था जब भी हम देखते थे। हाँ।
मैं तो खैर पूरी टीम को ही कहीं ना कहीं अब्रार के रूम में बैठे हुए चाय पीते हुए देखा है, बट यस ये बिल्कुल सही बात है, मगर फिर भी अब्रार पता नहीं क्यों नहीं 11 का हिस्सा बन सक रहे हैं। हम सुहेल अगर रावलपिंडी की बात करें, पिछले 2 सालों से हम पिचेस का रोना रोते आए हैं, इस दफ़ा लग रहा है कि कुछ बेहतर पिचेस बनेंगी, हमने बाहर से एक क्यूरेटर को बुलाया, आपको लगता है कि हमारे क्यूरेटर्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है? हमारे पास बड़े पुराने क्यूरेटर्स मौजूद हैं, रियाज मौजूद हैं जो रेगुलरिटी में रावलपिंडी के लिए पिचेस बनाते थे, इसलिए हमें बाहर से बुलाना पड़ा, और बाहर से आने वाला क्यूरेटर क्या फर्क डाल सकेगा? जी अगर मुझसे आप हकीकत सुनना चाहते हो तो मैं तकरीबन डोमेस्टिक कह रहा हूँ बड़े अरसे से, ठीक है, ये इन लोगों का काम नहीं है विकेट बनाना, आप यकीन करें नहीं है, किसी का भी काम नहीं है विकेट बनाना। मेरे ख्याल से इधर एहसान भाई थे कराची के, वो थोड़ा बहुत विकेट, अभी स्टेट नेशनल क्या नाम है स्टेट बैंक के, वो डोमेस्टिक के हिसाब से उसने कोई थोड़े बेहतर बनाए थे 1-2 साल पहले जब मैं खेल रहा था, तो मतलब एक विकेट थोड़ी सी अच्छी थी, बॉल निकल रहा था, मगर बाकी पाकिस्तान में इन लोगों का काम नहीं है ये, सिर्फ हर बार ये लोग बस यही एक ड्रामे करते रहते थे कि पिच नहीं बना, अब हमको ऐसा बता दिया बोर्ड ने कि ऐसे बना दो ऐसे, और यकीन करो कीपर तक बॉल नहीं जाता था, ठीक है, यानी ये तो मैं इस बात की गवाही हूँ, ठीक है, नहीं जाता था, इन लोगों के कीपर तक बॉल कैरी नहीं करता था, तो उसी में पास बॉलर ना आपके ऐसा ऐसा ना अनफिट हो गए कुछ इधर उधर भाग गए, मतलब ये कोई बाहर मुल्क भाग गए क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं होते थे बिल्कुल, तो आपने कोको बोरा बॉल लगा दी ऊपर से ये डेड विकेट है, तो पूरा दिन बस कई स्पिनर से कभी बैट्समैनों से हम बॉल कराते थे नया बॉल के बाद, मतलब ये कि वो आप तब आपको प्लेयर मिलेगा जब आपके विकेटों में थोड़ी सी जान होगी, जिसमें आपका बैट्समैन का भी पता चले, आपके बॉलर का भी पता चले, हाँ भाई ये बॉल कर रहा है तो बैलेंस हो बिटवीन बैट एंड बॉल, बैलेंस होना चाहिए। ये तो मतलब ये मैं अगर सच बताऊं मुझसे बहुत सारे मेरे यार दोस्त से ग्राउंड में नाराज भी हो जाएंगे मगर इन लोगों की बस की बात नहीं है, ये सही किया कि बोर्ड ने बाहर से जो बुलाया विकेट बनाने के लिए, ठीक किया। अच्छा एक और चीज बोर्ड ये कर रहा है वो भी आप बताइएगा कि वो सही है, आपने कोकोबुरा बॉल का अभी बात की, अब डोमेस्टिक में ड्यूक की बॉल इस्तेमाल करने की बात हो रही है कि कोकोबुरा नहीं यूज करेंगे, डोमेस्टिक में ड्यूक की बॉल इस्तेमाल करेंगे और उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करवाएंगे, उसकी सीम को जरा थोड़ा सा क्लोज टू कोकोबुरा लेकर आएंगे, मगर और जो लेकर होता है उसका, उसके लेवल ऑफ लेकर को कम करेंगे कि रिवर्स स्विंग हमारे फास्ट बॉलर्स को भी करनी आए कि बॉल पुरानी हो तो रिवर्स स्विंग करने की कैपेबिलिटी रख सके हमारे फास्ट बॉलर्स, और हमारे बैटर्स को रिवर्स स्विंग समझनी आए और खेलनी आए, आपको लगता है ये एक सही डिसीजन और सही राह पे चल चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से हर साल लड़के 1,000, 1,100 रन करते और फिर कंप्लेन करते कि हमें पाकिस्तान नहीं खिलाते, तो अब जरा ड्यू बॉल पे आए, जरा अच्छे विकेटों पे खेले, अब करे रन तो फिर क्वालिटी का पता चलता है ना, क्योंकि जो लड़का रन करता है और वो ऊपर आते हैं और ऊपर फिर उसकी टेक्निक ही ठीक नहीं होती, उससे रन ही नहीं होता, ठीक है, तो वो फिर वापस जाते हैं, फिर वो अक्सर या तो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं खेलने, या तो बोले यार मुझे खिला नहीं रहा, लॉबी सिस्टम है, ये सब बकवास है, ठीक है, आप करो, ठीक है, सामने दरवाजा खुला हुआ है पाकिस्तानी टीम को, बिल्कुल जाओ आप खेलो, आप मतलब रन करो, आप बॉलरों का भी क्वालिटी का, दूसरी बात है रिवर्स स्विंग आते नहीं हमारे लड़कों को, बिल्कुल, अब वकार भाई आए ना, ठीक है, मैं करता हूँ, मैं मतलब अभी तक मैं डोमेस्टिक में जो वनडे वाइड बॉल खेलता हूँ तो मेरा तो रिवर्स होता है, ठीक है, वही बॉल मेरे दूसरे तरफ दूसरे बॉलर के पास होते हैं उसे नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, तो रिवर्स स्विंग करना पड़ता है, ठीक है, उसको आना चाहिए, जैसे एक बॉलर को आउट स्विंग आता है, इन स्विंग आता है, ठीक है, बैकअप द एंड स्लो बॉल आता है, अब ये थोड़ी कि एक बॉल थोड़ा सा रफ हो गया और एक साइड शाइन हो गया तो रिवर्स होगा, वो नहीं भाई ऐसा नहीं होता, बॉल की आप ख्याल रखना पड़ेगा, बॉल को आपको थोड़ा सा रूल करना पड़ेगा रिवर्स स्विंग के लिए कि बॉल अपनी तरफ खींचना पड़ता है, इसकी बाकायदा मैंने वकार भाई से, शुएब अख्तर से, वसीम भाई से इसके टिप्स लिए मैंने, ठीक है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो मतलब है कि ये बताना चाहिए, ये असल में वकार भाई माशाल्लाह बोर्ड में आ गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वकार भाई बेहतर से बेहतर कराएगा और सिखाएगा भी, अगर लड़के जाके उससे बात करे वकार भाई से।